रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम वक्त के बारे में बात करेंगे कि वक्त को किस तरह से मेजर करते हैं या मापते कैसे हैं। टाइम कैन बी मेजर्ड ऑन अ क्लॉक, वक्त को क्लॉक के जरिए मालूम किया जाता है। वी कैन मेजर सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स, और वक्त को मालूम करने के लिए हम सेकेंड, मिनट और घंटे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वक्त की एक और मेजरमेंट भी है, टाइम कैन आल्सो बी मेजर्ड ऑन अ कैलेंडर, हम वक्त को कैलेंडर के जरिए भी मापते हैं। वी कैन मेजर डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स, जैसे हम अपनी उम्र को भी महीनों, दिनों और सालों में मापते हैं। तो आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 24 घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं, और 7 दिन मिलकर एक हफ्ता, और 52 हफ्ते मिलकर एक साल, और 365 दिन होते हैं एक साल में, और 12 माह होते हैं एक साल में। वक्त की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे टाइम इज़ फ्री, वक्त मुफ्त में मिलता है, बट इट इज़ प्राइसलेस, ये अनमोल है। यू कांट ओन इट, यू कैन यूज़ इट, वक्त को आप रख नहीं सकते, अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। You can't keep it, you can spend it, वक्त को खर्च किया जा सकता है, स्टोर नहीं किया जा सकता। Once you have lost it, you can never get it back, गया वक्त वापस नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, वक्त सबसे बड़ी दौलत है, जो अमीर गरीब सबको अल्लाह मियाँ 24 घंटे रोज़ नया दिन देता है। तो इस वक्त को इस्तेमाल कर लो अल्लाह ताला को जानने में, पहचानने में। अल्लाह ताला ने कहा है, कुरान आसान किया है मैंने, कोई है जिक्र करने वाला? तो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी भी महदूद है, इसको अल्लाह को जानने में, पहचानने में लगाओ और तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ो। ये कन्वर्जेंस के यूनिट्स हैं जो अभी हमने देखे थे, और अब हम डेली लाइफ में हम कन्वर्जेंस कर रहे होते हैं सेकंड्स की, मिनट्स की और आवर्स की। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स कुछ देखते हैं कि जैसे हम किस तरह से मिनट्स को, आवर्स को और सेकेंड्स को आपस में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट आवर्स टू मिनट्स, घंटों को मिनट में तब्दील करें। तो ये थ्री आवर्स, 11 आवर्स एंड 2.25 आवर्स, इनको आपने मिनट्स में तब्दील करना है। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और उस कॉपी पेंसिल लें, पहले खुद से इसे हल करें, फिर आगे हम इसका जवाब देखते हैं। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो जब हम आवर्स को मिनट्स में तब्दील करते हैं तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180 मिनट्स। इसी तरह हम 11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 55 ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे पास 715 मिनट्स हो जाएंगे, 11 आवर्स 55 मिनट्स में। और इसी तरह हम 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 120 आ गया, और 1/4 आवर में 15 मिनट्स होते हैं, क्योंकि 60 जो है उसका चौथाई हिस्सा 25 और आधा हिस्सा 30 और 3/4 35 और फुल जो है वो 60 मिनट्स का होता है। तो अब हम 120 में जब 15 मिनट्स जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल 135 मिनट्स आ जाएंगे, तो 2.25 आवर में हमारे पास 135 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे मिनट्स को आवर्स में। तो क्योंकि मिनट्स जो है वो 60 मिनट्स मिलके एक आवर बनाते हैं, तो जब हम मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, और जिस तरह से हमने देखा कि 900 मिनट्स हैं, तो 900 मिनट्स को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाते हैं 15 आवर्स। तो 900 मिनट्स इज इक्वल टू 15 या 15 घंटे। इसी तरह अगर हम 350 को 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 आवर्स और 5 घंटे और 50 मिनट। इसी तरह अगर हम 90 मिनट्स को 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 घंटा और 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स। अब हम आगे चलते हैं, अब हम मिनट्स और सेकंड्स को आपस में कन्वर्ट करेंगे।
तो कन्वर्ट मिनट्स टू सेकंड्स, 10 मिनट्स एंड 48 मिनट्स। आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा था कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो जब हम मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 मिनट्स 600 सेकंड्स में चेंज हो जाएंगे और 48 मिनट्स 2880 सेकंड्स में। अब कन्वर्ट सेकंड्स टू मिनट्स, 600 सेकंड्स और 540 सेकंड्स को आपने मिनट्स में तब्दील करना है। और वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं या 60 सेकंड्स मिलकर एक मिनट बनाता है, तो जब हम सेकंड्स को मिनट्स में तब्दील करेंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।